नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र या आजना चक्र के बारे में जानकारी लेंगे। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो उस चक्र का चिन्ह है, उसके अंदर आप उसका मूल मंत्र देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो, अपने शरीर में टोटल 7 चक्र होते हैं। ये छठवां चक्र है जिसको हम लोग आज्ञा चक्र या आजना चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चक्र जागृत होने के बाद आप जो भी मन में आशा जागृत करते हो या इच्छा व्यक्त करते हो वो साध्य हो जाती है, इसके लिए इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। अगर हम इस चक्र से निगड़ित एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ले तो जो आकाश है वो इस चक्र से निगड़ित है। धातु जो है इसमें जो है वो चांदी का जो धातु है वो इस चक्र से निगड़ित है। किसी भी चीज़ का जो भी परसेप्शन है या उसके उसका जो भी हम लोग अनुमान लगाते हैं वो इस चक्र से निगड़ित है। इस चक्र से निगड़ित जो कलर है वो है नीला कलर है। और ये जो चक्र है वो दोनों आई दोनों आँखों के बीच में रहता है, इसलिए इसको थर्ड आई चक्र भी या भगवान शिव की आँख ऐसे कहते हैं, लॉर्ड शिवा इस। और ये चक्र से आप किसी भी चीज़ के बारे में, अगर जब ये चक्र जानकर जागृत होता है आपके शरीर में, तो किसी भी चीज़ की आप अच्छे से परख रख सकते हो, इसलिए ये चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चक्र का जो मूल मंत्र है वो है ओम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इस चक्र का आध्यात्मिक चिन्ह है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें शिव और शक्ति का मिलन है। और इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो नाड़ियाँ होती है ईडा और पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी से भी इस चक्र का संबंध है। अगर आप दाया जो कमल का पंखुड़िया देखेंगे तो वो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाया पंखुड़िया है वो माता पार्वती को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो चक्र है इसमें शिव और शक्ति दोनों ही होते हैं। और जो नीचे जो इस चक्र के बीच में जो त्रिकोण है वो हकीनी शक्ति का प्रतीक है, और जो मून है वो भी हकीनी शक्ति का प्रतीक है। तो ये इसकी इस चक्र का आध्यात्मिक चिन्ह के बारे में जानकारी है। अगर हम थोड़ा और इसके अंदर जाए, भीतरी से देखें, तो इसके अंदर अर्धनारीश्वर भगवान अर्धनारीश्वर का वास है, क्योंकि इसमें शिव और शक्ति दोनों का मिलन है। तो जो आपको जो भगवान दिख रहे हैं वो अर्धनारीश्वर भगवान है, और इसमें शक्ति का भी वास है। इस चक्र में शक्ति का भी वास है। तो जो भगवान का रूप आपको दिख रहा है, जो जिनकी छः भुजाएं हैं और छः उनके मस्तक है, और हर एक हाथ में एक एक शस्त्र है, और जो दो पंखुड़ियां है उसमें एक हम जो संस्कृत शब्द है उसका निवास है, और दूसरे में शम जो संस्कृत शब्द का निवास है। एक पंखुड़ी शिव को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी पंखुड़ी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और अंदर का जो मून है वो हकीनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ये फिर से एक बार हम लोग ने एक पूरे आध्यात्मिक रूप से इनको दिखा है। जो अर्धनारीश्वर भगवान है वो लिंग स्वरूप में है, शिवलिंग स्वरूप में है। तो आप देख सकते हो, एक साइड में भगवान शिव है, दूसरी साइड में माता पार्वती है, उनका निवास है, और बीच में जो चंद्र है वो हकीनी शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चक्र जब आपके शरीर में जागृत होता है तो आप जो भी आज्ञा दे सकते हो इस चक्र को, तो वो आपकी पूरी हो सकती है।
चलो हम देखते हैं कि इस चक्र को जागृत कैसे करें या समतोल कैसे करें। कैसे पता चल जाता है कि ये चक्र आपके शरीर में जागृत है या असमतोल है? तो जागृत करने के लिए आपको जो भी आप स्वप्न देखते हैं, कुछ भी चीज़ विजुअलाइज करते हो, उसको कोई भी चीज़ की जो कल्पना करते हो, वो जितनी आप उस चीज़ की कल्पना करते हो उतना ही इस चक्र को समतल होने में मदद होती है। और अगर आप मेडिटेशन करते हो या आपको घूमना पसंद है, जिस मतलब जंगल में या नेचर में घूमना पसंद है जहाँ पे हरियाली हो, या चांदनी रात में आप अगर घूमते हो तो भी ये चक्र समतल होने में मदद करता है। तो मेन इसमें है जो है वो मेडिटेशन है। आप कितनी उपासना करते हो, तपस्या करते हो या ध्यान धारणा करते हो, ये सब इस चक्र को समतुल करने में मदद करता है। कलर से भी आप इस चक्र को समतुल कर सकते हैं, या जो तीसरी जो आँख है वहाँ पे ध्यान लगा के भी इस चक्र को समतुल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये अगर चक्र असमतुल है आपके शरीर में तो क्या होता है। तो इस चक्र से निगड़ित जितने भी अवयव है, जैसे आँखें है या आपका मस्तक है या जो मेंदू है, ब्रेन है, तो ये सब चीज़ें में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे माइग्रेन है, आपका सर दुखता है, या आपको कुछ आँखों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, कोई समस्या है, या जो अपने इस चक्र से निगड़ित जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या पाइनल ग्लैंड है, इससे निगड़ित कोई समस्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ये चक्र आपके शरीर में असमतुल है। तो इस चक्र को समतुल करने में एक जो प्राणायाम है उसको भ्रमरी प्राणायाम बोलते हैं। भ्रमरी प्राणायाम इस चक्र को समतुल करने में बहुत ही मदद करता है। इसलिए जो भी साधक इस चक्र को जागृत या समतुल करना चाहता है, तो भ्रमरी प्राणायाम आप प्रातः सुबह उठने के बाद इसको करें। भ्रमरी प्राणायाम बहुत ही सिंपल होता है। आप भ्रमरी प्राणायाम का जो टेक्निक मैंने दिया है वो यूज़ करके आप भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है। आपको बस भृगराज जैसा आवाज़ निकालना होता है, और आपके जो हाथ है वो आँखों पे या कानों पे रखने पड़ते हैं। तो भ्रमरी प्राणायाम बहुत ही मददपूर्ण है अगर आपको ये तीसरा चक्र, थर्ड आई चक्र जागृत करना है या आज्ञा चक्र जागृत करना है। तो बहुत सारे जो महापुरुष होते हैं उनका ये चक्र जागृत होता है, क्योंकि ये चक्र जागृत होने के बाद ही आपका सहस्र चक्र है वो जागृत होता है। तो इस चक्र को कैसे जागृत कर सकते हैं? तो मंत्र शास्त्र से आप जागृत कर सकते हैं, योगासना से जागृत कर सकते हैं, ध्वनि से जागृत कर सकते हैं, रंगों से भी जागृत कर सकते हैं, और धातु जो रहते हैं, धातु या पत्थर बोलते हैं, वो सब भी यूज़ करके इस चक्र को जागृत या समतुल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग योगासनास में देखते हैं। तो योगासनास में अगर आप देखोगे, त्रथ का योगा है, जिसमें आप किसी जो कोई भी ज्योति है उसके ऊपर आप ध्यान लगाते हो, और ये जो प्राणायाम जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये सब योगासना जो दिख रहे हैं, ये योगासना इस चक्र को समतुल करने में मदद करते हैं। मंत्र शास्त्र, बहुत सारे साधक जो योगी है, साधु है, वो मंत्र शास्त्र यूज़ करते हैं। तो इसका मूल मंत्र जो है वो ओम है, तो ओम का मंत्र उच्चारण करके भी ये चक्र समतुल होता है। कुछ साधक इस बहुत सारे विधियों में ये मूल मंत्र के बाद कुंडलिनी माता का भी आरोहण करते हैं, आवाहन करते हैं। तो उसके लिए कुंडलिनी आरोहणम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। जहाँ तक मैंने जितने भी विधियाँ पढ़ी है उसमें जो मूल मंत्र है हर एक चक्र का, उसका 7 बार उच्चारण करते हैं। उसके बाद कुंडलिनी माता को आह्वान किया जाता है 7 बार मंत्र उच्चारण करके कुंडलिनी माता का। तो जैसे कि आप जानते हो अपने शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार है, स्वादिष्ठाना है, उसके बाद मतलब ऐसे पूरा ये 6वां चक्र आता है, अजना चक्र। तो हर एक जो पहला चक्र है उसका उच्चारण मूल मंत्र का उच्चारण होने के बाद स्वादिष्ठान का करते हैं। उसके बाद
मणिपुरा का करते हैं, उसके बाद अनाहत का करते हैं, ऐसे ऐसे करके अजना चक्र तक आ जाते हैं और अंत में सहस्र चक्र का मंत्र उच्चारण किया जाता है। तो एक ये विधि से भी आप अपने शरीर में जो अजना चक्र है उसको समतोल कर सकते हैं। योगासनास से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो हर एक चक्र के निगड़ित एक मुद्रा होती है, तो ये थर्ड आई चक्र की मुद्रा है जिसको कालेश्वर मुद्रा कहते हैं। तो आप कालेश्वर मुद्रा से भी इस चक्र को समतोल कर सकते हैं। हर एक चक्र की निगड़ित एक मुद्रा है और हर एक मुद्रा का एक नाम है। तो वैसे ही ये आज्ञा चक्र का या अजना चक्र की जो मुद्रा है उसको कालेश्वर मुद्रा कहते हैं, और जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो कालेश्वर मुद्रा है। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चक्र से आपको अद्भुत ज्ञान की अनुभूति होती है। ये वही चक्र है जहाँ पे भगवान शिव की तीसरी आँख भी है, इसलिए ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अगर हम ध्वनि की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी मंत्र के ध्वनि से भी आपके अंदर चक्र जागृत होते हैं, वैसे ही मूल मंत्र के ध्वनि से अंतर्ध्वनि या बाह्य ध्वनि से ओम के उच्चारण से ओम के ध्वनि से भी ये चक्र समतुल होने में आपके शरीर में मदद होती है। अभी हम धातुओं के बारे में बात करेंगे। तो जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहे वो टोटल 9 धातु है जो इस चक्र से निगड़ित है, हर एक अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि अब देखोगे तो सेकेंड वाला जो धातु है वो मित्रता के लिए है, सत्यता के लिए है, क्योंकि ये सारे गुण जब आप में आएंगे तभी ही आपके अंदर ये चक्र समतुल होने में मदद हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी आएगी, आध्यात्मिकता आएगी, तभी आप ध्यान धारणा करोगे, तभी आप शांति से मेडिटेशन करोगे। तो ये सब ये जो धातु है वो ये सब जो चीज़ें हैं उनको समतुल करने में मदद करती हैं। जैसे कि आप देखोगे स्टोन ऑफ मैजिक है, टेम्पेस्ट स्टोन है। तो अगर आप धातु शास्त्र में आपका विश्वास है तो आप धातु भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल 9 धातु है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ये धातुओं का उपयोग करके भी आप ये चक्र जागृत कर सकते हैं। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले इसमें आपका जो परसेप्शन है, एक सेंस आता है आपके अंदर, और आपको कोई भी चीज़ की कल्पना करने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपकी सोच बदल जाती है, आप कोई भी चीज़ की कल्पना करने की जो सोच है वो सही हो जाती है, तो आप बहुत ही जीवन में बहुत ही अच्छे से प्रगति कर सकते हो। इसलिए ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे बाकी चक्र के बारे में भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप प्लीज़ देख लेना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।